ओके सो एक्चुअली इन दिस मे बी कॉल्ड एज क्वेश्चन आंसर सेशन. सो वी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड गाइज आप लोग चाहो तो अपना PDF ओपन कर लो. PDF में आपको दिए गए हैं क्वेश्चन. जो क्वेश्चन आपके सामने आए स्क्रीन में है सेम क्वेश्चन आपको PDF में दिए गए हैं. देखो पहला क्वेश्चन ये है, गिव द बेसिक आइडिया अबाउट द यूज़ ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इन आवर डेली लाइफ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर टू यक्षत. गिव द बेसिक आइडिया अबाउट यूज ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इन अवर डेली लाइफ. थोड़ा डिसेंट आंसर बोलना जो लिखे हो आप एग्जाम में, ऐसे आंसर्स में चाहता हूँ. सो कैन यू गिव एनी बेसिक आइडिया दैट यू यूज स्केलर, यूज ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इन अवर डेली लाइफ. अक्षत. यस सर. आंसर स्क्रीन दिख रही है? यस सर. दो जल्दी से आंसर दीजिए. सर फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इन इन आर डेली लाइफ. सो टू कैलकुलेट देयर वेलोसिटी और टू कैलकुलेट इन विच डायरेक्शन दे आर मूविंग और टू कैलकुलेट द देयर पोजिशन इन आउट ऑफ इन अ सर्टेन टाइम, कि इतने सर्टेन टाइम में वो कहाँ होंगे, उनकी पोजिशन कैलकुलेट करने के लिए एंड देयर स्पीड एंड वेलोसिटी एंड when they are going to come rest, vectors and scalars help us a lot. Listen, अब जो देखो यहाँ पे आपको मैं कह रहा हूँ give the basic idea, use of scalars. आप example पे direct जा रहे हैं, this is not the point, क्योंकि example पे direct नहीं जाना है. First you come, आपको बताना है कि scalar का क्या use है. When we are, they can be used to represent physical quantities in physics. वो तो है, दोनों physical quantity है. But when we use any quantity which is used to count something. अगर कोई काउंटिंग पर्पज हो तो वहाँ पे स्केलर यूज होते हैं. बट एनी थिंग विच नीड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड देन वी नीड वेक्टर क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट देन. ओके सो मोर करेक्ट आंसर विल बी लाइक दिस. ओके हियर आई हैव गिवन एन एग्जांपल. पढ़ो. द नंबर ऑफ ग्रेप्स. द नंबर ऑफ ग्रेप्स इन दिस बंच राइप फॉर पिकिंग इज वन एग्जांपल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी. यस सो आई वांट टू गिव एन जनरल आइडिया लाइक इफ वी काउंटिंग द नंबर ऑफ ग्रेप्स इन अवर लाइफ इन अवर डेली लाइफ देन नंबर ऑफ ग्रेप्स गिविंग अस आइडिया ऑफ ओनली अ नंबर. दिस इज ओनली अ काउंट टाइप ऑफ थिंग. ओके केवल हम उसको गिनती कर सकते हैं. वी कांट गिव एनी थिंग, मतलब इसकी क्वांटिटी जो है मैं उसको काउंट करके बता सकता हूँ कि इतने पीसेस हैं. सो ये स्केलर है. While in the right side you can see a lady pointing somewhere. Okay, this means yes, वो लेडी जो है वो बता रही है कि कुछ डायरेक्शन दे रही है. ओके पढ़ो. दिस इज वेक्टर्स की बात करें. वेक्टर्स आर हेल्पफुल. This helpful person pointing in the right direction tells us to travel 5 blocks north to reach the courthouse. A vector is a physical quantity that must be specified by both magnitude and direction. Yes, so ये थोड़े से examples हैं जिससे हम लोग बता सकते हैं कि general life में scalar और vector का क्या इस्तेमाल है. ऐसी कोई भी quantity जो vector मांगती है and without of direction वो incomplete है. जैसे you said घूंसा मार दूंगा, है ना. As a student of physics आपको बताना पड़ेगा कि घूंसा कहाँ पर मारोगे. ओके किस direction में मारोगे, east में मारोगे, west में मारोगे, है ना. तो कभी भी किसी को बोलो कि है ना कि अब हम तुम्हें घूंसा मार देंगे. सो काइंडली एड्रेस हर अबाउट द डायरेक्शन कि आप किस डायरेक्शन में उसे घूंसा मारोगे एंड कितने न्यूटन मारोगे. बॉडी पार्ट, हाँ बॉडी पार्ट मेंशन करते हो बट बॉडी पार्ट में भी डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है ना. लाइक अगर आप किसी के पेट पे घूंसा मार रहे हो, पंच कर रहे हो, सो आइदर आप ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, सेंटर में, किस डायरेक्शन में लेके आप मार सकते हो, दैट इज, है ना. तो बताना पड़ेगा एज ए फिजिक्स. ओके सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर वन. What do you know about the vectors? How a vector is represented graphically? What do you know about the vectors? How is a vector represented graphically? Batao bhai, jaldi se bolo. Sir, vector is a physical quantity which consists of both direction and magnitude, and they follows vector laws of algebra. For example, displacement, velocity, and acceleration are some examples of vector. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिप्रेजेंट ग्राफिकली बाय बाय अ लाइन एंड एन एरो. या एक्जेक्टली यू रिप्रेजेंट ग्राफिकली बाय अ लाइन एंड एरो. ओके पढ़ो आंसर. द फिजिकल क्वांटिटी दैट आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम आर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर. अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड. The length of the segment according to chosen scale correspond to the magnitude of
of vector. Yes, the length of the arrowhead, the length of the arrowhead. ओके लेंथ जो होती है एरो हेड की अकॉर्डिंग टू अ चूजन स्केल, मतलब आपका एक स्केल होगा. लाइक एग्जांपल आप इंडिया का मैप लेते हैं और इंडिया में आपको मान लो दिल्ली से लेके जयपुर की दूरी निकालनी है. सो दिल्ली से लेके जयपुर के पॉइंट को ओरिएंट करो. अब मैप में तो आपका जो एरो है वो 3 सेंटीमीटर का होगा, बोलो. हाँ यस सर. अब बट 3 सेंटीमीटर मतलब कि 3 सेंटीमीटर का है तो जो बट 3 सेंटीमीटर का एरो या 3.5 सेंटीमीटर का एरो एक्चुअली में जो डिस्टेंस हो रही है वो कितनी, 350 किलोमीटर दिल्ली और जयपुर के बीच में. ओके यस सर. यस सर. तो 350 किलोमीटर एडजस्ट हो रहे हैं 3 सेंटीमीटर में, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 350 / 3 कर लो जितना आएगा करीब, है ना, 80 किलोमीटर के ऊपर आएगा. 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर 350. यस यस यस. सो निकाल लो, मतलब 1 सेंटीमीटर करीब कितने का हो गया, 100 किलोमीटर. यस सर, 100 किलोमीटर. ओके, तो वो आपको लिखना पड़ेगा. दैट इज चूजन स्केल, वो इसकी बात हो रही. क्लियर हुआ? यस सर. सो करना क्या आपको, ये जो मैंने शीट दी है इनका सबका आंसर आपको लिख करके देना है. मुझे लिख करके अपने नोट्स बनाना है अपने रेफरेंस के लिए, है ना, कि मतलब आप बोल सको और आप मैच कर सको. जब मैं आपको आंसर कराऊं तो आप लोग मैच कर सको. ओके ओके. सो दिस इज कंप्लीट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस, बताओ. सर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू एक्सिस व्हिच आर ओवर ईच अदर, व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड the horizontal axis is called x axis or the abscissa, and the y axis is and the no wrong it is entirely wrong entirely wrong horizontal axis is not called abscissa. Abscissa actually is the point x axis position, position of x axis is called abscissa. It is not the x axis. Okay. Yeah. X-axis को नहीं कहते abscissa. X-axis, x-axis ही कहलाता है और कुछ नहीं कहलाता. Okay. Yes sir. और बताओ. एंड वर्टिकल पार्ट इज कॉल्ड वाई एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ओके. एंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. ओरिजिन. यस. चलो अब देखो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. डिस्क्राइब इसका सिग्निफिकेंस बताते हैं. पढ़ो ऊपर से. द लाइंस व्हिच आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर ऑफ पार्टीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम. A coordinate system is used to describe the location of a body with respect to a reference point called origin. Two-dimensional 2D coordinate system. The 2D coordinate system consists of two reference lines drawn at the right angle to each other. One of the line is named as x-axis and the other as y-axis. A point P in xy plane is represented by the coordinates A, B. This notation means that if we start at the origin, we can reach point P by moving A units along the positive x-axis and B units along the positive y-axis. Exactly. So, ye ho gaya. This is called rectangular coordinate system. Any doubt related to this? Clear hai sab kuch? Koi line puchna hai? Clear hai sir. Haan. और बच्चे कोई लाइन पूछना तो प्लीज़ बताइए. फिजिक्स पढ़ने का मतलब है एक एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए, तब फिजिक्स समझ में आएगी आगे तक की, है ना. और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, एक एक लाइन क्लियर करता हूँ. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन विच वे द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज स्पेसिफाइड. किसी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाइड करने के लिए क्या तरीका है, बताइए. इन विच वे डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज स्पेसिफाइड, बताओ भाई. अक्षत. Yes, sir. सर ऐसे याद नहीं आ रहा. अरे यार फिजिक्स में डायरेक्शन देने का मतलब क्या है, एंगल भाई मेरे. अच्छा एस आर ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल बताना. एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल ही तो बताओगे डायरेक्शन देने के नाम. yes, और क्या sir, बता yes. पाओगे, कोई तरीका थोड़ा ना है. ओके यस. ओके पढ़ो. द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इन अ प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाय द एंगल व्हिच अ रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द वेक्टर मेक्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यस द एंगल मेड बाय द वेक्टर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज गिव द डायरेक्शन. ठीक है ना.
फिजिक्स में डायरेक्शन देने का मतलब है एंगल बताना कि कितना एंगल बना रहे हैं। यस चलिए देन इसके बाद आगे की बात करते हैं। एक्सप्लेन थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ प्रिंस आई एम गिविंग यू चांस, बताओ बेटा थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या समझते हो आप? प्रिंस सर थ्री परपेंडिकुलर लाइंस। थ्री परपेंडिकुलर लाइंस यस सर, जो जिनका नाम होता है सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एग्जैक्टली, सो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर। व्हेन देयर आर थ्री देन यू शुड से म्यूचुअली परपेंडिकुलर बिकॉज देयर विल बी पेयर ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। ओके सो दे आर कॉल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपस में म्यूचुअली मतलब आपस में परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके ओके सर ओके यस। सो पढ़ो क्रिश यहाँ पे क्या है, पढ़ो थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। द 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। द लाइंस आर नेम्ड एज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अ पॉइंट पी इन स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट ए बी सी। This notation means that if we start at the origin, we can reach point P by moving A unit along positive x-axis, B units along positive y-axis, and C units along positive z-axis. Exactly, means when you want to reach at the point ABC, then you need to travel three coordinates, three distances you need to travel respectively along x-axis, y-axis, z-axis. So you need to travel unit A along x-axis, unit B along y-axis, and unit C along z-axis, then you are at the position of the point P, A, B, C, okay, in Cartesian coordinate system. And if you join the vector from origin to point P, this is called position vector of point P, and it will be given by AI cap plus BJ cap plus C, K cap, okay. And this vector definitely making an angle with x-axis, that is called alpha. Angle made with the y-axis called beta, and angle made with the z-axis is called gamma. So these angles are called direction angles. Yes, Krish. Next lines, the direction. The direction of position vector of point P in space is specified by the three angles alpha, beta, and gamma, which the representative line of the vector makes with x, y, and z axis respectively. Exactly. So one very important question here ki yahan pe ye bataiye ki three dimensional space mein ya three dimensional cartesian coordinate system mein kisi vector ki position ko represent karne ke liye, kisi vector ki direction ko represent karne ke liye aapko kitne angles ki zarurat hoti hai? Abhi to padha bhai. How many number of angles? Three angles. Alpha, beta and gamma. Alpha made with the x-axis, beta with the y-axis and gamma with the z-axis. Okay? Samajh mein aaya, Krish? Okay, sir. Aage. So, you require three angles to represent a position of a vector in a space. Okay. Now, next question. Write difference between vector addition and scalar addition. Haan bhai, batao bhai, Krish, your answer. Write difference between vector addition and scalar addition. Kya difference hai vector addition and scalar addition? Bataiye. Do you know the difference between vector addition and scalar addition? नहीं पता. Okay, yes. Over to you, Akshat. You say now. Sir, scalar addition जो होता है वो basically normal arithmetic addition होता है, but vector addition is a graphical addition. Graphical way में उसको represent करके उसको addition करते हैं. Very good. Good answer. Okay. And so vector addition is a graphical type of addition. Vector addition versus scalar addition. So here we can write the vector addition may be written as vector A plus vector B equal to vector C. This is a vector addition. This is not as scalar addition. Scalar addition in scalar addition we write a plus b plus equal to c. Okay. तो क्या लिखा हुआ है पढ़ो अक्षत. Vector addition versus scalar addition. Vector a plus vector b is equal to vector c is very different from a plus b equal to c. The first is a vector sum which must be handled graphically or with components, while the second is a simply arithmetic sum of numbers. Exactly. So simply is the जो दूसरा वाला है simple वो दो और दो चार है, but जो पहला वाला है वो दो और दो चार नहीं है,
उसमें दो और दो जीरो भी हो सकते हैं, दो और दो चार भी हो सकते हैं, ओके, सो वो अलग है। चलिए अब पढ़ते हैं डिस्क्राइब हेड टू टेल रूल। बताओ भाई अक्षर, आपने पढ़ा है हेड टू टेल रूल क्या होता है? यस सर, सर हेड टू टेल रूल जो होता है वो बेसिकली वेक्टर एडिशन में यूज होता है। इसके अकॉर्डिंग जो दो वेक्टर होते हैं जिनको ऐड किया जाना होता है, तो वन वेक्टर हेड इज कनेक्टेड टू अदर वेक्टर्स टेल एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, एंड जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो फाइनल जो जो दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं किसी मींस किसी के भी एक हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्ट होता है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर एडिशन जनरली आप रूल आप टू वेक्टर्स के लिए चले गए, ये ए प्लस बी कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला बताया आपने। हेड टू टेल में देखिए आपको एक डायग्राम बनाना है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ओके, और लिखना ये है, पढ़ो, द वेक्टर्स कैन बी एडेड ग्राफिकली Vectors can be added graphically by head to tail rule. According to this rule, the addition of two vectors, vector A and vector B, consists of following steps. First, place the tail of vector B on the head of vector A. हाँ, this is it. Place the tail of vector B on the head of vector A. मतलब जो vector A का head निकलेगा, जहाँ पे vector A का आपको vertex मिल रहा है, देखिए, ये जो arrow मिल रहा है, उसके ऊपर आप vector B को place करोगे। आगे पढ़ो, draw a vector. Draw a vector from the tail of vector A to the head of vector B called रिजल्टेंट होता क्या है, रिजल्टेंट सम तो होता है, मगर कई सारे वेक्टर अगर एक साथ लग रहे हैं तो उन सबको हटा करके अगर आप एक फोर्स लगाओ, एक वेक्टर लगाओ, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर, ओके। यस, एक्सप्लेन कम्यूटेटिविटी इन द सम ऑफ वेक्टर। हाँ, कम्यूटेटिविटी इन द सम ऑफ वेक्टर एक्सप्लेन करो अक्षत। सर, कम्यूटेटिविटी इन सम ऑफ वेक्टर सिंपली मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। मींस यू आर सेइंग वेक्टर सम इज कम्यूटेटिव और नॉट कम्यूटेटिव? इट इज कम्यूटेटिव। एग्जैक्टली, सो लेट्स सी, पढ़ो बेटा। A vector sum vector A plus vector B and vector B plus vector A has the same resultant R as shown in the figure. Therefore, we can write vector A plus vector B is equal to vector B plus vector A. Exactly. So, vector addition is commutative. Exactly. So, अगर आप ऊपर वाले head to tail rule को देखें तो ऊपर वाला resultant आपको A plus B देगा, और अगर नीचे वाले से देखो तो B plus A देगा, but दोनों vector जो join कर रहे हैं वो तो length wise same है, मतलब चाहे ऊपर वाले ट्रायंगल से निकालो चाहे नीचे वाले से निकालो, रिजल्ट आपका सेम आ रहा, मींस वेक्टर सम इज कम्यूटेटिव, ओके, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, क्लियर? यस सर, फॉर द सम वेक्टर इज कम्यूटेटिव। क्रिश, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। हाँ देखो, जहां ना समझ में आए वहां रोक करके पूछो, ठीक है ना? एक एक पॉइंट फिजिक्स में पॉसिबल नहीं कि मैं हर बार आपसे पूछूं, क्योंकि फिजिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इट्स लाइक एन एपिक, है ना, जैसे रामायण महाभारत है, शायद वो छोटे पड़ जाएंगे, बट ये बहुत बड़ा है भाई, ठीक ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, और इसको करा पाना पूरा मुश्किल होता है जब तक आप पूरा सपोर्ट ना करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू ए स्केलर क्वांटिटी? वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू ए स्केलर क्वांटिटी? पहला मैं जवाब लूंगा आपसे क्रिश, योर आंसर। क्या वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी ऐड कर सकते हो? नो सर। नो, अच्छा भाई अक्षत आप बताइए, कर सकते हैं? नो सर, वो फिजिक्स के लॉ को ब्रेक करेगा जो कहता है कि सेम क्वांटिटीज के बीच में ही ऑपरेशन हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सो वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं होंगी, वेक्टर में वेक्टर ही ऐड होंगे और स्केलर में स्केलर ही ऐड होंगे, ओके, सो यस, पढ़ो आंसर। नो नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ओनली द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड। वेक्टर एंड स्केलर आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जैक्टली, सो वेक्टर एंड स्केलर्स आर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। नाउ क्रिश, टेल मी वन थिंग, कैन वी मल्टीप्लाई स्केलर विद अ वेक्टर? कैन वी मल्टीप्लाई स्केलर विद अ वेक्टर? नो सर। नो, ओके, अक्षत। यस सर, वी कैन, वी कैन, वी कैन मल्टीप्लाई एक्स स्केलर विद अ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल इज देयर, मोमेंटम, मोमेंटम, राइट द फॉर्मूला, मोमेंटम पी वेक्टर इज इक्वल्स टू मास इज एन स्केलर एम इन टू वैक्टर वी, राइट द फॉर्मूला फॉर वैक्टर मोमेंटम, पी के ऊपर वैक्टर लगाइएगा, पी इज इक्वल्स टू एम इन टू वी, पी इज इक्वल्स टू एम इन टू वी, ओके, लिखा?
लिखा बच्चों. सो पी वेक्टर्स, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर. सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये स्केलर है. ये क्या है? स्केलर है. तो वेक्टर का m गुना हो गया क्या? मोमेंटम. सो वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो ये क्या हो जाता है? यू कैन से कि मोमेंटम इज द m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी. तो उसको डेफिनेशन वाइज अगर लिखोगे, क्वालिटेटिव इसकी डेफिनेशन की बात करोगे, सो यू वुड राइट, लिख लो बच्चों, कि मोमेंटम इज m times of velocity. Momentum is m times of velocity. समझ में आया? क्लियर है? Yes sir. हाँ, मतलब यहाँ पे वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्रिश. कैन यू एड जीरो टू अ नल वेक्टर? नो सर, सर जीरो स्केलर है. जीरो स्केलर, एग्जैक्टली. नो, कभी नहीं ऐड कर सकते हैं, बिकॉज जीरो स्केलर है. वेरी गुड. ये देखो, ये जवाब दिया जब आपने, सो आई एम कॉन्फिडेंट आपने पढ़ाई करी है. वेरी गुड. सो जीरो इज अ स्केलर. दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट बन रहे हैं आपके, कि जीरो एक स्केलर है और नल वेक्टर भले ही कुछ उसके पास ना हो, बट वो है तो वेक्टर, और वेक्टर में आप स्केलर ऐड नहीं कर सकते हो. सो दैट स्केलर कैन नॉट बी एडेड टू द वेक्टर्स. पढ़ो अक्षत. नो, जीरो कांट बी एडेड टू अ नल वेक्टर बिकॉज़ जीरो इज अ स्केलर एंड स्केलर्स कांट बी एडेड टू वेक्टर्स. ओनली द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर कैन बी एडेड. एग्जैक्टली. नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट द रिजल्टेंट वेक्टर? क्रिश, योर क्वेश्चन. What do you know about the resultant vector? बोलो भाई. सर, किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड या पहली गलती, पहला गोला टीचर दो वेक्टर सुनते ही लगाएगा. दो वेक्टर आपने लिखा, पहला गोला टीचर मार देगा भाई. दो वेक्टर की बात नहीं करोगे, नहीं. और बोलो. दो या दो से ज्यादा. दो या दो से ज्यादा, बिल्कुल सही है. अब दो या दो से ज्यादा की मैनी वेक्टर्स लिख लो, कुछ भी लिख दो, है ना, बट दो के लिए नहीं. हाँ ठीक है, आगे पढ़ो, आगे बोलो. सर, किसी भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आता है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं भाई. प्लस तक तो ठीक था, माइनस गलती हो गई, ये गलती हो गई, वो गलती हो गई आपसे, मतलब माइनस प्लस डिवीजन ये सब कुछ नहीं. आप ये समझिए कि मान लो कि वो देखा होगा आपने बाहुबली वाली पिक्चर, उसमें क्या होता है कि वो मूर्ति को लोग, वो गिर रही होती है मूर्ति, ओके, इस टाइप से, और उसको पकड़ करके खूब सारे लेबर लोग खींच रहे होते हैं. बोलो, खींच रहे होते, नहीं खींच रहे होते, बताओ. ये सब अपना अपना वेक्टर लगा रहे होते हैं, ठीक है ना. फिर वो गिरने लगती है, तो क्या होता है, सबकी जगह हटा करके फिर महेंद्र बाहुबली आते हैं, और महेंद्र बाहुबली सबका, जितना ये लोग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, इन सबका सम ही तो होगा इनका रिजल्ट. ये अपने दम पे फिर ये खींचता है उसको, मूर्ति को स्टैंड कर देता है. समझ में आया? तो ये जो सारे अलग अलग वेक्टर थे ना, इन वेक्टर के प्लेस पे एक सिंगल वेक्टर आपने लगा दिया. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर, अगर एक लाइन में बोलेंगे तो क्या कहेंगे रिजल्ट? इसको ये कह सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जो कई सारे वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करे. ओके, द वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मैनी वेक्टर्स. ओके, सो दैट वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. क्लियर? यस सर. चलिए, सो यस, पढ़ो अक्षर, रिजल्टेंट वेक्टर. Resultant vector. Resultant of two or more vectors in a single vector, which would have same effect as if all the original vectors were taken together. The vector R has the same effect as the combined effect of vectors A, B, C, and D. So R vector is the resultant vector of the two vector of the all the of the vectors vector A plus vector V, vector C, and vector D. Yes. देखो यहाँ पे बेटा,
यहाँ पे वेक्टर ए लग रहा है, यहाँ पे वेक्टर बी लग रहा है, यहाँ पे वेक्टर सी लग रहा है, यहाँ पे डी लग रहा है, ए बी और सी डी चारों का कंबाइंड रिजल्ट एक वेक्टर आर प्रोड्यूस कर रहा है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ए बी सी डी चारों का जो रिजल्ट है वो है आर है। सो आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर वेक्टर्स। समझ में आ गया ना? ये तो पॉलीगन लॉ मैंने समझाया था आप लोग को। पॉलीगन लॉ से जो लास्ट बनेगा इसका इसका हेड इसकी टेल और लास्ट वाले की हेड को ज्वाइन करके जो वेक्टर होगा वो आपका रिजल्टेंट होगा। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस, सिंपल क्वेश्चन टू यू। टू वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन देयर सम बी जीरो, एक्सप्लेन। दो वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, क्या इनका सम जीरो कर सकते हो? नो सर। क्योंकि वो तभी जीरो होगा जब मैग्नीट्यूड उनका सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यस बिल्कुल सही, कि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड जब इक्वल होंगे तभी सम जीरो होगा, अदरवाइज इसका सम जीरो नहीं हो सकता है। यस रीड करो बेटा। नो पढ़ो आंसर। नो, द सम ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड कांट बी जीरो। द सम ऑफ टू वेक्टर विल बी जीरो ओनली व्हेन देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल एंड दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। एग्जैक्टली, सो व्हेन देयर द रिजल्ट विल बी जीरो ओनली व्हेन they having the same magnitude and they acting in the opposite direction, means at an angle of 180 degree. चलिए, so ये ऐसे questions आपको करने हैं जिस level में मैंने आपको समझाया, इस तरीके से आपको each and every question लगाना है। समझ गए? जो जैसे मैंने question दिए हैं आपको, तो आपको पूरे पूरे question लगाने हैं, तब आपका ये chapter बड़े अच्छे से मैं complete मानूंगा। तो आप लोग जल्दी से मेरे को ये पूरी file complete करके दीजिए। ओके यस सर। तो अब आपको शुरू कीजिए, और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है मैंने, क्योंकि मेहनत करके सारे के सोल्यूशन बना लिए हैं, और जैसे ही आप ये पूरा कर लेते हो तो मैं आपको सोल्यूशंस भी दिए देता हूँ। तो एक एक क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं आपको सोल्यूशंस भेज रहा हूँ, तो आप लोग को उसको करना है कंप्लीट। ठीक है सर, अभी जैसे जो नहीं बने इनको छोड़ देंगे, फिर जब सोल्यूशन आए तब उनको दोबारा सॉल्व करना। हाँ देखो, जो नहीं बने उनको चेक करो, आप जो नहीं बने उनको चेक करो। इसमें बाद में मैंने आईआईटी के प्रॉब्लम भी डाले हैं एट द लास्ट, तो बहुत शानदार प्रॉब्लम है आईआईटीज वाले, वो भी करवाना है मेरे को। तो हाई लेवल जीरो से लेके हीरो लेवल तक आपको करवाऊंगा मैं। तो अभी इसको स्टार्ट करो, आप जितने क्वेश्चन कर लिए, एंड कॉपी में कुछ ना कुछ एक दो लाइन लिखो, जो भी वेक्टर क्वेश्चन आप जितना बन रहा है आपको, पहले अपना खुद का इनपुट दो, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन लिखो। यस सर। ठीक है ना, उससे समझ में आएगा कि आपको लिखना कैसे, क्योंकि फुल मार्क्स पाना एक अलग बात होती है। आधे नंबर दो नंबर में से 0.5 पा भी लिए तो कौन सी बड़ी बात है, बट फुल में से फुल निकालना है फिजिक्स टीचर के हाथ से, मतलब आपको वही पॉइंट लिखना पड़ेगा जो फिजिक्स में सही होता है। लाइक रिजल्टेंट के बारे में बहुत सारे बच्चे यही लिख करके आएंगे कि दो वेक्टर का सम कर दो, एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, वही रिजल्ट होता है। नहीं नहीं, वो रिजल्ट नहीं होता है, कंबाइन इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला वेक्टर ही रिजल्ट हुआ करता है। ठीक है? यस सर।